दोनों के दोनों बच गए, धोखेबाज कहीं के। अब तूने छुआ भी तो एक पुलिस वाला तपोस लेगा। कित बन के बैठ गया मेरे ऊपर। मिता, ये लो तुम्हारी कॉफी। अब बेटा, हमने कितने अच्छे से नाटक किया ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तुमने भी सोचा नहीं होगा कि हम इतने अच्छे से कर लेंगे, है ना? पता था मुझे माते जान लगा देंगे आप तमाशा करने में भाई। माँ किसकी है भाई? तो और सबसे बड़ी बात, कंगन का लालच जो था आपके मन में, जब मैंने आपसे बोला था कि सोने के कंगन बनवाऊंगा आपके लिए, तो काम तो होना ही था भाई। अरे सोने के लिए तो जान हाजिर है आपकी, है कि नहीं? ऐसा क्या कह रहे हो बेटा, कंगन नहीं बनवाते तो काम तुम्हें बचाते नहीं? तुम्हारे लाने तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आखिर तुम हमारे बेटे हो। अच्छा तो चलो फिर कंगन कैंसिल कर देता हूँ, सुनार को फोन कर देता हूँ, बड़ा खर्चा हो रहा है वैसे। हाँ, नहीं नहीं बेटा, कैंसिल मत करो। अच्छा लगेगा जो तुम कंगन बनवा दोगे, वैसे भी ना हमारे पास सब नकली हैं। देखो कैसे मरी कैसे जा रही है, देखो जरा। बनवा दूंगा कंगन, मत लो टेंशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ऐसा क्या हो गया जो तुम उन दोनों को जान से मारने चले गए? कौन सी बात हो गई जो तुम उनके खून के प्यासे हो गए? अरे बेटा अच्छा हुआ जो वो बच गए, अगर मर जाते ना तो तुम सीधा जेल जाते और जाने कितने सालों तक चक्की पीसते। चुप करिए, जेल की चक्की वैसे चले जाता मैं जेल? क्या पागल समझ लिया माते जी? मैं पूरी प्लानिंग पूरे इंतजाम के साथ किया था मैंने जो किया था, ठीक है ना? किस्मत अच्छी थी दोनों की, बच गए साले। अरे बेटा एक कानून के हाथ जो होते हैं ना बहुत लंबे होते हैं, बच नहीं पाते। फिल्मी डायलॉग अपने पास रखिए आप, रट के आ गए सारे डायलॉग। चुप करिए, बेटा सच सच बताओ हमें, असल में हुआ क्या था? ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? नहीं कुछ तो हुआ होगा, कोई तो बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। बेटा हमें बताओ, मुंह से बताओ। मैम प्रेग्नेंट है वो चुयास, ईशान के बच्चे की मां बनने वाली है वो, तो के बाद औरत। हे भगवान, जेका कह रहा हूँ, उर्मी इतना गिर गई? जी हाँ, पर ना क्या पागल समझ लिया मुझे, जो दिन दहाड़े गोली चला दूंगा उस पे, मैं मारने लिया तो उतारू हो जाऊंगा उसको। कौन मर्द बर्दाश्त करेगा मुझे बताइए आप, जिसकी बीवी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली, कौन बर्दाश्त करेगा मुझे बताइए? कोई नहीं, सही कह रहे हो तुम एकदम, ये तो बहुत बड़ी वाली निकली। हम तुमसे कहते नहीं थे कि इसके पेट में दांत है? दांत, शक्ल से सीधी साधी लगती है लेकिन कारस्तानी सब जानती है। देखो तुमको भी बुद्धू बना गई, तुम भी ना एकदम पागल हो। उसको काहे मारने चले गए? मारना होता तो उसके कोख के बच्चे को मारते, आधी तो वो वैसे ही मर जाती। और कानून भी कुछ नहीं कर पाता, कैसे कि कोख के बच्चे को मारने पे ना तो कंप्लेन होती है ना कोई सजा होती है। ऐसे बच्चे तो पेट में एक कोख में पनपते रहते, मरते रहते, समझा रहे हम तुमको। हाँ समझ लो।